गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ योर होस्ट ब्लॉगर इन द सिटी। और अभी मैं शालीमार स्टेशन पे हूँ। क्या स्टेशन है सर? भूतिया लग रहा है। तो गाइज़, फाइनली हम लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस मेरे पीछे ये आ गई। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। सब लोग आ गए हैं और मैं और मोनू भाई मेरे पीछे हैं और मैं सेकेंड लास्ट चल रहा हूँ। और बस पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म पर और बारातियों को रिसीव करते हैं। तो गाइज, आज है 10th of Feb और मैंने अभी केराटिन वाला अपना बाल धोया है। मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि 2 दिन के बाल में पानी भी नहीं लगाएं, तो अभी मैंने आज 2 दिन के बाद केराटिन वाला अपना पूरा बाल धोया है मैंने। जहाँ तक बात है कि केराटिन स्ट्रेंथ तो बाल में लाता है, क्योंकि मैं जब भी बाल धोता था तो मेरे कर्ल्स के कारण और स्ट्रेंथ वीकनेस के कारण बाल टूटते थे, तो अभी तो टूटा नहीं है बाल, एक भी बाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटा मेरा धोने में। तो गाइज़, यही था मेरा केराटिन का। और अभी बताते हैं प्रॉपर, अब 2 महीना देखते हैं कैसा रहता है। आप तो ब्लॉग में देखते ही रहोगे कि केराटिन मेरा कैसा लग रहा है। और जहाँ तक बात है स्ट्रेट, बहुत लोग बोलेंगे स्ट्रेट नहीं हुआ, तो उतना मैं बता देता हूँ कि केराटिन से सिर्फ 30-40% स्ट्रेटनिंग होता है, बाकी वो एक प्रोटीन होता है, इन्फ्यूज प्रोटीन होता है जो आपके बाल में दिया जाता है स्ट्रेंथ के लिए, शाइन के लिए, स्मूथनेस के लिए। ओके गाइस, तो अब बाकी जितना सीन होता है आपको दिखाते हैं। और अभी मैं बस शूट कर रहा हूँ, एडिट बाद में करके अपलोड बाद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम तो एकदम नहीं मिल पा रहा है। तो आई गेस 15 के बाद ही पहला व्लॉग आएगा और पार्ट पार्ट में ही आएगा, आप लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। तो गाइस, बस अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज, यहाँ मेरे सर्वर भाई बैठे हुए हैं और मेरी बाबू के साथ। हाय शिफा, कैसा लग रहा है पहले से आके? हाँ, कैसा लग रहा है मतलब? अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हो? अच्छा ठीक है। गाइज, तो आज है 11 फेब और आज है शादी का दिन बहन की। तो अभी हम लोग हॉल में आए हुए हैं और इससे पहले बहुत काम था, बहुत ज़्यादा, तो मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का दिन भर में। और लास्ट कल भी मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली। और अभी ये सब मेरे पीछे पूरा डेकोरेशन है। हम लोग यूनाइटेड पैलेस में शादी, कोलकाता के काफ़ी अच्छा, मतलब इस एरिया जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं उस एरिया का काफ़ी फेमस मैरिज हॉल कह ले सकते हैं या बैंक्वेट कह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये पूरा। और ये सब पूरा डेकोरेशन है, यहाँ मेरी भांजी बैठी हुई है। और गाइस, यही है मेरा कुर्ता और ये इसको क्या बोलते हैं, शायद सदरी बोलते हैं। तो सदरी तो मैंने नॉर्मल ही रेडीमेड परचेज़ की, मुझे ये अच्छा लग रहा था तो यही ली। और मेरा कुर्ता ये है, तो कुर्ता पजामा हम लोगों ने पहना है, हम लोग का ड्रेस कोड है। और अभी शूट करते हैं, पूरा दिखाते हैं सबको। अभी तो हम लोग कोई आया ही नहीं है, अभी तो बस हम लोग आए हुए हैं कुछ चेक करने के लिए। सर्वर भाई लोग, हम लोग सब आए हुए हैं, सारा मैनेजमेंट कैसा है वो सब चेक करने के लिए, इंतज़ाम एंड ऑल। तो शूट करते हैं और व्लॉग में बने रहिए। तो गाइज़, मैंने अभी आपको दूल्हे की बैठने की जगह दिखाई, अब ये उसी फर्स्ट फ्लोर पे ही, यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ पे खाने का इंतज़ाम है पूरा। और मेरे पीछे जो सीढ़ी है मुझे बहुत अच्छी लगी, ये पूरा रॉयल लुक देती है एकदम। और अभी ऊपर भी चलेंगे, देखते हैं ऊपर, और अभी तक मैं ऊपर गया नहीं हूँ। वैसे ही मुझे हॉल काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलते हैं तब ऊपर और आपको भी दिखाते हैं। तो ऊपर में पूरा स्टार्टर्स वाला यहाँ पे सेक्शन है, पीछे उस साइड पे लेडीज़ लोगों का बैठने का अरेंजमेंट है, एंड वहाँ पे एक स्टेज भी है फॉर रसम। और अभी बालकनी में आके मैंने व्यू देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा हेयर कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके नीचे, कमेंट सेक्शन में आई मीन। और मैंने केराटिन पहली बार कराया तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, अब देखते हैं 2 महीने के अंतराल कैसा रहता है। और चलते हैं, आप लोग को बाकी सब जगह भी दिखाते हैं, बहुत जगह दिखाने को है, तो चलिए।
तो यहाँ पे जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये लेडीज़ लोगों के बैठने का है, और वो स्टेज जो बना हुआ है दो, जहाँ पे जो चेयर है रॉयल वाली, वो रस्म के लिए बनाई गई है कि दूल्हा दुल्हन आके बैठेंगे तब रस्म होगी परफॉर्म। और अभी जो झूमर आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक ओम शांति ओम वाला झूमर लगता है, तो इसके नीचे खड़े होने में कोई डरना मत। और चलते हैं, आपको और बहुत कुछ दिखाना है तो देखिए, आप लोग भी इन्जॉय करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसा लग रहा हूँ सब बताना, मैंने फर्स्ट टाइम आज नेहरू कोट पहना है, इससे पहले मैंने कभी नहीं पहना। और ये मेरा नया कुर्ता जो मैंने सिलवाया शादी के लिए स्पेशली, इस पर अलीगढ़ पजामा विथ नागरा टाइप ऑफ शूज़। और यहाँ खाने का स्टॉल है पूरा। अब मेन्यू में क्या क्या है देख के बताएंगे, एक्चुअली मुझे मेन्यू का कोई ध्यान नहीं है। तो गाइस यहाँ पे नेगोशिएशन वाला काफ़ी ज़्यादा सीन चल रहा था। तो फाइनली अब विदाई हो चुकी थी और हम लोग बैठे थे खाना खाने, क्योंकि हम लोग सब स्टार्टर्स ही खाए थे और टाइम नहीं मिला था किसी को, तो हम लोग खाना नहीं खा पाए थे। तो फाइनली 3 बजे के करीब हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो खाना खाते हैं। तो अभी हम लोग शालीमार स्टेशन जा रहे हैं, और अभी मैं विद्यासागर सेतु ब्रिज पर हूँ, जो कि इंडिया का फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज है। केबल स्ट्रेट ब्रिज जो केबल के द्वारा कनेक्टेड रहता है उसी को कहते हैं, और ये ब्रिज 1992 में ओपन हुआ था, तब से ये चल रहा है और काफ़ी देखने में भी अच्छा है, और इसको सेकंड हुगली ब्रिज भी कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीधा शालीमार स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि आज बारात की मतलब एक्चुअल विदाई है, तो हम लोग बारातियों को छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन। मैंने सबके प्लेटफॉर्म टिकट्स ले लिए गाइस, ये नेसेसरी है। और अभी चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आई है ट्रेन, तो अभी हलचल भी आज।